नड्डा का बयान आया है, वो कहते हैं कि जब देश की लीडरशिप को लोग विश्वास करने लगते हैं तो राहुल गांधी जी को तकलीफ होती है और वो हेट फैला रहे हैं। कब दिए? अमेरिका में बोले नड्डा जी का कल का बयान है। नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी खुद गंभीरता से नहीं लेती। आपने देखा है कि वो केंद्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार से अमित शाह जी उसको धक्का दे के पीछे हाथ पकड़ के खींच रहे हैं उसको, तो नड्डा जी को ऐसे भी कोई गंभीरता से नहीं लेते और उसको उसके बयान को हम लोग भी गंभीरता से नहीं लेते। और उसके जब से वो अध्यक्ष बने हैं अपने प्रदेश में हरा दिए अपने पार्टी को, और फिर उसके बाद अब कर्नाटक भी हो गया है, तो लगातार नड्डा जी अब उसको चुना कौन है ये आज तक नहीं पता चला। दूसरा कार्यकाल तो उसके बाद कौन गंभीरता से ले। और जहां तक राहुल जी की बात है तो राहुल जी तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुले हुए हैं और जहां जाते हैं प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। और उसको तकलीफ है क्योंकि बिना लड़ाई झगड़े के भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जब तक कि दो समाज के लोग नहीं लड़ेंगे, दो धर्म के लोग नहीं लड़ेंगे, दो भाई भाई नहीं लड़ेंगे, तब तक इनका स्वार्थ सिद्धि नहीं हो सकता। ठीक है, आखिरी लाइन ज्यादा अच्छा।